गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मैं माधुरी सूर्यनगरी यूनिक्लो ऑनलाइन क्लासेस की स्टूडेंट हूँ। मैं आप सभी के साथ अपना ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सभी के मन में डाउट रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होंगी, अपन स्टडी कर पाएंगे या नहीं, तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन से बहुत बेस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस के बहुत से प्लस पॉइंट है, जैसे कि अपना आने जाने का समय बचता है, अपन अपने घर में जो अभी के लिए बहुत सेफ है। अगर मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो बहुत ही मेरा बेस्ट रहा है। और मैम का पढ़ाने का तरीका, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मैम, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैम हमें कैसे पढ़ाते हैं, यानी कि जो भी की पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करवाना, ठीक है, और ना जो भी जो अपन को याद करने के लिए बहुत ईजी रहता है। और मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊँ तो मैम ने हमें नोट्स बनाने कैसे सिखाए हैं, यानी कि नोट्स में भी बहुत अच्छे से मैम ने सिखाए हैं कैसे नोट्स कवर करने चाहिए, कैसे की पॉइंट लिखने चाहिए। आप देख सकते हैं कैसे मैम ने हमें नोट्स बनाने सिखाए हैं, यानी कि ये नोट्स अपने लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत ही बेनिफिट रखते हैं नोट्स अपने लिए। और इवन दो हमारे सैटरडे और संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं, जिसमें हम मेंस की मैम हमें क्वेश्चन राइटिंग सिखाते हैं, कि आंसर राइटिंग सिखाते हैं, कैसे अपन को आंसर लिखना चाहिए मेंस में, जो अपने लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मैम थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। बात करें जुडिशरी के एग्ज़ाम की, अब जुडिशरी की बात आती है तो लोअर जुडिशरी, हाई जुडिशरी, जूनियर लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम की भी बात करते हैं। तो हम बात करें सीपीसी की, तो सीपीसी का जैसे कि आपने देखा है कि मेरा स्टार्टिंग यानी प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 to 8 आ चुका है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9 से लेकर, और धीरे 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 सीपीसी को हम पूरा करेंगे यूट्यूब पर। जिस तरह से पहले मेरी सीपीसी यूट्यूब पर थी, बिल्कुल वैसे ही आपको वापस मिलेगी, बट हाँ अपडेटेड, पहले से कहीं ज़्यादा बेटर मिलेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी सीपीसी को। तो लास्ट चैप्टर में आपने देखा था प्रीलिमिनरी, जो सेक्शन नंबर 1 से 8 था, स्टार्टिंग था जो हमारा। सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, 2 कहता है डेफिनेशन क्लूज, 3 कहता है आपके पास सबॉर्डिनेशन किसका होगा, तो 4 कहता है आपके पास सेविंग्स क्या होगी, 5 कहता है कि रेवेन्यू कोड क्या कहेगा, 6 कहता है पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, 7 और 8 प्रांतीय और प्रेसिडेंसी की बात करता है। जो फर्स्ट वाला लिंक आपको नहीं मिला है तो वो इसी वीडियो में आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी कंटिन्यूटी रहेगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डे बाय डे वीडियोस डालूँ इसके, ताकि आपके पास पूरा सीरीज़ में सीपीसी आपके पास हो जाएगी, राइट। तो मैं कोशिश करूँगी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 कहता सूट इन जनरल, जब सूट इन जनरल की बात करती है वादों को, साधारण वादों के विषय में, तो वो 9 से 35 बी हैं। आप अपने बैरेक में देखिएगा, इसको खुद को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने डिवाइड कर रखा है, वही डिवाइडेशन मैं आपके सामने लिख कर आई हूँ। सबसे पहला आता है ज्यूरिस्डिक्शन, सेक्शन नंबर 9 से लेकर 14 तक, जिसके अंदर आप ज्यूरिस्डिक्शन भी देखेंगे और रेस जुडिकेटा भी देखेंगे। सबसे जो अच्छी बात है वो आपका रेस जुडिकेटा, वो आपको देखने को मिलेगा। क्या कहता है आपका पार्ट नंबर 1, इसका ज्यूरिस्डिक्शन क्या होगा, कहाँ पर आपका सूट इंस्टीट्यूट होगा, वो ज्यूरिस्डिक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, कुछ बैरेक ने लिखा हुआ है कुछ नहीं, जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। सेकेंड आता है यहाँ पर आपके पास रेस जुडिकेटा, इसका मीनिंग क्या है, जिस डिसीजन जिस मैटर में पहले डिग्री आ चुकी है उसी मैटर पर दोबारा सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा, इसे बोलते हैं रेस जुडिकेटा। इस रेस जुडिकेटा के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा, उसका लिंक भी आप में से शेयर किया जाएगा, लेकिन आप जाके देखिएगा उर्मिला राठी रेस जुडिकेटा, तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसके केस लॉज वगैरह सारे लिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने ज्यूरिडिक्शन देखा, साथ में ये देखा कि क्या ये मैटर पहले से तो सुनवाई नहीं किया गया है, पहले से डिसाइडेड तो नहीं है, यदि पहले से डिसाइडेड है तो हम इसको डिसाइड दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा सूट इंस्टीट्यूट होगा ही नहीं। तो आप कहेंगे फिर क्या होगा, अपील कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, बट फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। तो ये आता है हमारा पहला पार्ट जो बता है ज्यूरिस्डिक्शन एंड रेस जुडिकेटा। जैसे आपने देखा नहीं नहीं ज्यूरिस्डिक्शन मिल गया और रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी मैं पहली बार आ रही हूँ कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करने, तो अब हमें ढूंढेंगे प्लेस ऑफ सू। सेक्शन नंबर 15 से लेकर 20 तक
क्या कहा, सेकंड पार्ट हम देखेंगे कि प्लेस ऑफ सू कहाँ पे सू इंस्टीट्यूट होगा, यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर क्या है, पिक्यूनर ज्यूरिडिक्शन क्या है, यदि एक ही मैटर दो डिफरेंट कोर्ट में आता है तो क्या होगा, एक ही मैटर डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट के अंदर बहुत सारे कोर्ट के अंदर आता है तो क्या होगा, यदि मूवेबल प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है या यदि आपकी बॉडी को डैमेज हुआ है तो वहाँ क्या करेंगे, और जब आपका मैटर इनमें से किसी में से नहीं आता है तो फिर कहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे 15 से लेकर 20 में। तो पहला अपन ने क्या देखा, ज्यूरिस्डिक्शन एंड एडजुडिकेटा, वो फाइनल होती है, अपन ने क्या ढूंढा, प्लेस ऑफ सू कहाँ से कहाँ तक ढूंढा, सेक्शन नंबर 15 से 20। नाउ आपको लगता है कि प्लेस ऑफ सू गलत हुआ है तो आप उसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन, तो आता है ऑब्जेक्शन, क्या करेंगे आप ऑब्जेक्शन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 21 से लेकर 21A तक। इस ऑब्जेक्शन में आप पढ़ेंगे कि वैसे भी ऑब्जेक्शन हमेशा फर्स्ट इंस्टेंस पर ही हो जाना चाहिए, क्या कहा, ऑब्जेक्शन हमेशा फर्स्ट इंस्टेंस पर ही हो जाना चाहिए, बट कुछ सर्कमस्टेंसेज यदि लेटर आते हैं तो बाद में भी किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन कहाँ करेंगे, ऑब्जेक्शन उसी कोर्ट में करेंगे जहाँ पर आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, ऑब्जेक्शन उसी कोर्ट में करेंगे जहाँ पर सूट चल रहा है, ना कि आप कोई डिफरेंट सूट इंस्टीट्यूट करके उस ऑब्जेक्शन को खत्म करवाएंगे, सेम कोर्ट में ही ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, तो आप कोई भी सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करके नहीं करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 21 से 21A तक। और ये दोनों ही, ये भी आरजेस मेन में आ रखा है और ये भी आरजेस मेन के एग्जाम में आ रखा है 2015-2016, और ये तो हमेशा ही आते बेचारा। तो पहला अपन ने ढूंढा ज्यूरिस्डिक्शन एंड एडजुडिकेटा 9 to 14, सेकेंड था प्लेस ऑफ सू 15 से लगा के 20, और देन ऑब्जेक्शन 21 से 21A। ऑब्जेक्शन होती है आप क्या करेंगे, मैटर को ट्रांसफर, तो फर्दर कहता है ट्रांसफर ऑफ मैटर्स, कुछ चीज़ें इसमें नहीं बनाई हुई हैं, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है प्लेस ऑफ सू बना हुआ है लेकिन ये एक साथ हैं, पर मैंने याद करने के लिए और टुकड़े कर दिए, यानी इस एक को अपने तीन भाग कर दिए ताकि वो ईजी हो गया, आपके ऑब्जेक्शन अलग आ गया, ट्रांसफर ऑफ मैटर आपका लगा गया, कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन नंबर 22 से 25। यहाँ हम एक चीज़ सीखेंगे कि मैटर ट्रांसफर कराने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, डिफेंडेंट को, तकलीफ तो डिफेंडेंट को, प्लेंटिव तो बेचारे लगा ही रहा है, डिफेंडेंट कहता है यहाँ मत लगाओ वहाँ मत करो, जो सारे जो कहते हैं ना नाटक होते हो डिफेंडेंट ही करता है, तो अप्लीकेशन डिफेंडेंट लगाएगा, जिस तरह से यहाँ पर डिफेंडेंट अप्लीकेशन लगा था ठीक वैसे ही सीआरपीसी में, ठीक वैसे ही सीआरपीसी में सेक्शन 191 के अंदर कौन लगाता है, अक्यूस्ट, यानी यहाँ पे डिफेंडेंट वहाँ पे अक्यूज लगाता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मैटर की हम बात करते हैं तो ऐसे ही ट्रांसफर ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 406 से 412, वहाँ पर भी पूरा एक चैप्टर आता है ट्रांसफर ऑफ मैटर का, और चैप्टर नंबर है वहाँ पे 31, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 31, तो वो भी ट्रांसफर ऑफ मैटर्स की बात करते हैं, ये भी ट्रांसफर ऑफ मैटर्स की। इसके अलावा इतना ही नहीं, इसके अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ मैटर की बात करते हैं, देन आता है आपके पास पहला कहता है आपका ज्यूरिस्डिक्शन एंड एडजुडिकेटा 9 to 14, सेकंड कहता है प्लेस ऑफ सू 15 से 20, देन आता ऑब्जेक्शन 21 से 21A, देन ट्रांसफर ऑफ मैटर 22 से 25। मैटर ट्रांसफर हो गया, आइए सू इंस्टीट्यूट करते हैं, तो क्या कहता है सू इंस्टीट्यूट करते हैं, ये लीजिए मेरा रह गया सू इंस्टीट्यूट करना, तो ये आ गया आपका सू इंस्टीट्यूट करना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट 5, 6, 7, 8 और 9, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, सेक्शन नंबर 26, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, सेक्शन नंबर 26, एक ही सेक्शन है 26, बट ये अकेला नहीं है, इसको अकेला मत समझना, फिर तो आता है इसके साथ ऑर्डर नंबर 4। ये कहता है यहाँ मैं अकेला दिखता हूँ पर मैं ऑर्डर नंबर 4 हूँ, और ऑर्डर नंबर 4 मेरे साथ है, तो ध्यान रखना जब तुम ऑर्डर नंबर 4 पढ़ोगे तो 6 और 7 भी हमारे साथ आ जाएंगे, तो मैं अकेला दिखता हूँ, मैं अकेला हूँ नहीं, ध्यान रखना, क्या कहा, ठीक है। तो ये 26 कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, मैं भी अकेली नहीं हूँ, मेरे पास 40,000 परिवार के लोग हैं, मतलब मेरे परिवार में 40,000, इसको भूलना मत आप लोग, ठीक है। चलिए देन इसके साथ ऑर्डर 4, और ऑर्डर 4 के साथ 607 आएगा, तो सबसे पहले ज्यूरिस्डिक्शन आया, प्लेस ऑफ सू कहाँ करेंगे, दूसरा आया, सेकंड अगर मैटर प्लेस ऑफ सू किया तो ऑब्जेक्शन किया, देन ट्रांसफर किया, फिर इंस्टीट्यूट किया। जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट होता है सामने वाली पार्टी को क्या भेजेंगे पर समन, और वो क्या करेगा समन पे आएगा, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी डिस्कवरी करेगा, तो अगला कहता है समन एंड डिस्कवरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, 27 से लेकर 32 तक, कहाँ से कहाँ तक करेगा 27 से लेकर 32 तक। देन आता है जजमेंट एंड डिक्री, जब सब चीज़ें आ गई, डिफेंडेंट भी आ गए, डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, सारी प्रोसीडिंग हो गई, नाउ जजमेंट और डिक्री दे देते हैं, सेक्शन नंबर 33। इतना सही नहीं है, इसके साथ ऑर्डर नंबर
20 भी हैं। ये इतना सही नहीं है, इसके साथ ऑर्डर नंबर 20 भी हैं। जब कभी भी केस फाइल होता है, डिग्री ऑफ जजमेंट आता है, सिविल मैटर में सदियों लग जाते हैं, तो आपको जो डिग्री मिलेगी उसमें जो आपको अमाउंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? इंटरेस्ट के साथ। तो अगला कहता है इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक? 34। कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 34। जब इंटरेस्ट आ गए तो भैया बाकी के खर्चे भी दे दो। क्या कहेंगे कोर्ट से? जज साहब खर्चे भी दिला दो। तो जज साहब दिलाएंगे आपको खर्चे 35 से 35B तक। तो ऐसे करके पार्ट वन को अच्छे से डिवाइड किया गया है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। और देखिए पार्ट वन के अंदर ये दो क्वेश्चन तो एडजस्टमेंट में आ चुके हैं, इनमें से रेस जुडिकेटा रेस सबजुडाइस आता रहता है, ठीक है, और इनमें से प्री के क्वेश्चन आते रहते हैं। इसका मतलब पार्ट वन अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा? पार्ट वन अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, जुडिक्शन ढूंढा, देन रेस जुडिकेटा को देखा, देन प्लेस ऑफ सू आया, पसंद नहीं आया तो ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन करते ट्रांसफर कराया मैटर ट्रांसफर करके सूट को इंस्टीट्यूट किया। सूट इंस्टीट्यूट होते सामने वाली पार्टी के पास समन जाते हैं और डिस्कवरी, इस डिस्कवरी का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो, यहाँ पे उसको ले लिया डिस्कवरी। अगर वही मैं बात करती हूँ आपने किसकी, सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में समन और डिस्कवरी के लिए दो चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, 661 से लगा के 90 तक और 91 से लगा के 105 तक। यानी दोनों प्रोसीजर लॉ हैं, तो चीजें तो लगभग सेम ही चलने वाली ना, तो वहाँ पर इसका प्रोसीजर दिया गया है। और देन आता है जब सब चीज़ें आ गई तो जजमेंट और डिग्री आ गई। याद रखना सिविल के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, जजमेंट डिग्री एंड ऑर्डर। क्रिमिनल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जजमेंट और ऑर्डर, जजमेंट और ऑर्डर। देन आता है आपके पास इंटरेस्ट, क्योंकि लंबा चलता है तो इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, और देन आपकी कॉस्ट, ठीक है। चलिए ये था पार्ट वन का इंट्रोडक्शन, अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी थोड़ी सी डिटेल, पूरी डिटेल नहीं, क्यों? क्योंकि बाकी की डिटेल तो मैं आपको अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे, लेकिन हाँ थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे हम। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 9 से 14। सेक्शन नंबर 9 कहता है कौन से सिविल सूट आप लड़ेंगे, कौन से सिविल सूट जब तक कि बार ना किया जाए। सेक्शन नंबर 10 कहता है रेस सबजुडाइस। सेक्शन नंबर 11 कहता है रेस जुडिकेटा। सेक्शन नंबर 12 कहता है बार ऑफ फर्दर सूट। सेक्शन नंबर 13 कहता है फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव होंगे कब नहीं, और 14 कहता है सर्टिफिकेट के बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा। क्या करेगा कोर्ट? प्रिजम्पशन करेगा। सेक्शन 9 कहता है कि आप सभी सिविल सूट का कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अंडरलाइन कीजिए कॉग्निजेंस, जब तक कि आपको इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली बार न किया गया हो। क्या कहा? कि आप कहते हैं सेक्शन 9 कि आप सभी तरह के सिविल सूट का कॉग्निजेंस ले सकते हैं जब तक कि आपको इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली बार न किया गया हो, अभिवक्त रूप से या विवक्षित रूप से मना न किया गया हो। लिखिए फटाफट, इम्प्लाइड का मतलब बाय कंडक्ट, विवक्षित का मतलब आचरण के द्वारा, एक्सप्रेस का मतलब होता है, एक्सप्रेस का मतलब होता है या तो रिटन या ऑरल, या तो लिखित में या मौखिक में। ये इम्प्लाइड और एक्सप्रेस आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेगा, ये इम्प्लाइड और एक्सप्रेस आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मिलेगा, ये आपको मिलता रहेगा जगह जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आता है कि कंडक्ट के द्वारा, तो बहुत सारी ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ कहते हैं कि भैया सिविल सूट यहाँ अप्लाई नहीं होगा, और बाई ऑरल या रिटन सेक्शन नंबर 5, बाई ऑरल या रिटन ऑब्लिका के लिए सेक्शन नंबर 5, क्यों? सेक्शन नंबर 5 इज अ रिटन, आप रेवेन्यू मैटर पर सिविल सीपीसी जो है अप्लाई नहीं होती, तो बाय रिटन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक कि आपको इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली बार न किया जाए तब तक आप कोई भी सिविल सूट की ट्रायल नहीं कर सकते हैं, बाकी सबकी कर सकते हैं। अब आता दो एक्सप्लेनेशन। क्या कहा? सेक्शन 9 में दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 सिविल सूट की डेफिनेशन बताता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि उसके लिए, उस पोस्ट के लिए आपके पास कोई पैसा मिले ही जरूरी नहीं है, यानी जिस पोस्ट को आप होल्ड कर रहे हो उसके लिए मनी होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, मंदिर का महंत होता है ना, मंदिर के महंत साहब जो बैठते हैं, और मस्जिद के अंदर काजी साहब जो बैठते हैं, उनकी वो सीट परंपरा से चली आ रही है, वहाँ सैलरी मिलना जरूरी नहीं होता है, तो वो कैसे सूट है? सिविल नेचर के सूट माने जाते हैं। अब आता है जुरिस्डिक्शन कैसे होगा। तो सेक्शन 9 में देखिए बैरिक में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं लिखा है, बट चार तरह के जुरिस्डिक्शन देखेंगे। कितने प्रकार के जुरिस्डिक्शन देखेंगे अपन? चार प्रकार के जुरिस्डिक्शन देखेंगे। पहला जुरिस्डिक्शन आता है आपके पास टेरिटोरियल, दूसरा आता है सब्जेक्ट मैटर, तीसरा आता है पिक्यूनरी, चौथा आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन।
पहला आता है क्षेत्राधिकार संबंधी, दूसरा आता है विषय वस्तु संबंधी, तीसरा आता है धन संबंधी, चौथा आता है प्रारंभिक। टेरिटोरियल तो देखा जाएगा, सब्जेक्ट मैटर सेक्शन 16 में है, पिक्यूनरी सेक्शन नंबर 6, देखो एक 16 में तो एक 6 में है, ओरिजिनल सेक्शन नंबर 15 में पढ़ेंगे। तो क्या कहा, और एक और ज्यूरिडिक्शन भी देख सकते हैं, वो है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। पांचवा क्या देख सकते हैं, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। कैसा ज्यूरिडिक्शन? अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो ये आपके इसमें नहीं लिखा, अलग से लिखना पड़ेगा। लिखिए ज्यूरिडिक्शन जो है आपके पास पांच तरीके हो सकते हैं। पहला टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, हिंदी में बोलेंगे प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। दूसरा लिखिए सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु संबंधी, जहाँ सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है। तीसरा लिखिए पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, धन संबंधी क्षेत्राधिकार, सेक्शन नंबर 6 धन संबंधी। हर स्टेट का अपना अलग अलग है, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। देन आता आपके पास फोर्थ वन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और लिखिए अपीलीय ज्यूरिडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो ये इसमें नहीं लिखा, आप अलग से इसको लिख लीजिएगा। तो ये है, और आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो सेक्शन 9 आपको ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताता है। सेक्शन 9 में दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जैसे जूनियर लॉ ऑफिसर का एग्जाम होता है या जितना छोटा एग्जाम होता है वो पूछ लेते हैं कि सेक्शन 9 में कितने एक्सप्लेनेशन दिए गए, आप कहेंगे दो। ये सेक्शन 9 में एक और क्वालिटी देखी आपने, क्या सिविल में भी कॉग्निजेंस लिया जाता है, क्रिमिनल में भी कॉग्निजेंस होता है ना। सिविल में कहाँ लेते हैं कॉग्निजेंस, सेक्शन 9 बताता है कॉग्निजेंस कब ले सकते हैं, और क्रिमिनल में कहाँ बताते हैं कॉग्निजेंस, तो आप कहेंगे क्रिमिनल में कहते हैं कॉग्निजेंस, सेक्शन नंबर 190। यहाँ पर भी 9 है, वहाँ पर भी 9 है, पर वह 9 अकेला नहीं, आगे 1 है, पीछे 0 है, और यहाँ पे 9 अकेला है। तो यहाँ पे कॉग्निजेंस की बात कहाँ कही गई, सेक्शन नंबर 9 में, और सीआरपीसी में कॉग्निजेंस की बात कहाँ गई, सेक्शन नंबर 190 में। हालांकि वह जजेस के नाम फिक्स होते हैं, यहाँ पे तो तीनों जजेस को मिलता है, जो अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये था आपका सेक्शन 9, यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्री का। देन आता क्वेश्चन नंबर 10, आप सबका फेवरेट, क्या कहा, सेक्शन नंबर 10 आप सबका फेवरेट। सेक्शन नंबर 10 के तहत रेस सब्जुडाइज, यानी स्टे ऑफ सूट, पेंडिंग सूट की बात करता है, किसकी बात करता है, पेंडिंग। क्या कहता है, सेम पार्टी सेम टाइटल इंडिया के किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पहले से मैटर चला आ रहा है, अंडरलाइन कीजिए, सेम पार्टी सेम टाइटल डायरेक्टली या सब्सिक्वेंटली कोई सूट इंडिया के किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पहले से चला आ रहा है, या और आप सेकेंड सूट उसी के अंदर लेके जा रहे हो या दूसरे कोर्ट में लेके जा रहे हो, तो क्या कहा कि वहाँ पे रेस ऑफ जुडिस लग जाएगा, इवन दो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो या किसी भी हाई कोर्ट में चल रहा हो या किसी भी कोर्ट में चल रहा हो। तो जो मैटर पहले से चला आ रहा है, जो मैटर पहले से चला आ रहा है उसी में दूसरा सूट लेकर जाते हो, तो सेकेंड सूट कोर्ट एक्सेप्ट तो करेगी, सेकेंड सूट कोर्ट एक्सेप्ट तो करेगी बट उसके आगे ट्रायल नहीं करेंगे। क्या कहा, कोर्ट लेगी तो सही, लेकिन जैसे कोर्ट को पता चला कि इसी मैटर पर पहले कोर्ट में किसी कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, तो कोर्ट उसको रोक देगी। कब तक, जब तक कि पहले वाले का डिसीजन आ जाए, जब तक कि पहले वाले का डिसीजन आ जाए। बट सेक्शन 10 अंडरलाइन कीजिए एक्सप्लेनेशन में, सेक्शन 10 अंडरलाइन कीजिए एक्सप्लेनेशन में, फॉरेन कोर्ट में यदि कोई मैटर पेंडिंग है, फॉरेन कोर्ट में यदि कोई मैटर पेंडिंग है तो इंडिया में अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब फॉरेन कोर्ट में मैटर चल रहा है तो चल रहा है, उसी मैटर को इंडिया के अंदर, उसी मैटर को इंडिया में आप लेकर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं स्टे ऑफ सूट, क्या बोलते हैं, स्टे ऑफ सूट, और क्या बोलते हैं, रेस सब्जुडाइज, और क्या बोलते हैं, रेस सब्जुडाइज, ठीक है। यह है सेक्शन 10, और ये इसकी नेचर कैसी है, तो देखिए सेक्शन 10 की नेचर मैंडेटरी है, आदेशात्मक है, सेक्शन 10 की नेचर मैंडेटरी है, आदेशात्मक हैं, आपको सेकेंड सूट लेना ही पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन आता केसेस वेसेस, अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे। देन आता सेक्शन नंबर 11, सेक्शन 11 जो है ये बोलता है रिस जुडिकेटा, इसका मतलब एक बार यदि कोई मैटर डिसाइड हो गया तो उसी मैटर पर दोबारा फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। क्या से मिला ये अधिकार, एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं मिलती है, आर्टिकल 20 क्लोज 2 ऐसे ऐसा सीआरपीसी में, हाँ जी कहाँ पर 300, बट इसको प्रूव कैसे करोगे, पहले सूट डिसाइड हो चुका है, सेक्शन नंबर 40 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कहाँ डिसाइड करोगे,
इंडियन एविडेंस एक्ट। तो क्या कहा, एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं मिलती, इसीलिए तो इंडिया में बाइगेमी प्रोहिबिटेड है। एक बार शादी हो गई वो सजा कम है क्या जो दोबारा शादी कराएंगे, है ना। तो क्या कहता है कानून, एक आदमी को एक ही बार सजा मिलेगी, दो बार सजा नहीं मिलेगी, दो बार सजा नहीं मिलेगी, इसलिए इंडिया में एक ही शादी कर सकते, दो नहीं, जब बाइगेमी, याद आ गया। तो ये चारों सेक्शन है। अब आता सेक्शन 11 के अंदर आठ एक्सप्लेनेशन है, कितने, एट एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन नंबर 11 अपने आप में बहुत बड़ा है। इस सेक्शन नंबर 11 का मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, वो उसका लिंक आपको इसी में मिल जाएगा, नीचे आप देखिएगा, ताकि आप जाके वहीं से कर लीजिएगा, तो दोबारा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो लिंक आप देख लीजिएगा, उसमें केस लॉज वगैरह सब कुछ लिखा रखे हैं मैंने, है ना, वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा, पहले डाला था यूट्यूब पे मैंने। तो सेक्शन 9, जब तक ये नेता मना ना करे सारे सिविल सूट सुनोगे। सेक्शन 10, रेस ऑफ जुडाइस। सेक्शन 11, रेस जुडिकेटा। नाउ सेक्शन 12, बार ऑफ लिमिटेशन। अब सेक्शन 12 में जो सबसे अच्छी बात है, सेक्शन 12 किसको प्रोहिबिटेड करती है, अंडरलाइन कीजिए, प्लेंटिफ को। किसको प्रोहिबिटेड करती है, प्लेंटिफ को। तो सेक्शन 12 जो है प्लेंटिफ को प्रोहिबिटेड करती है। ये आपका प्री का क्वेश्चन, देखो सब कुछ पता है पर ये ही नहीं पता किसको करती है, प्लेंटिफ को करती है। और इसके लिए कुछ प्रोविजंस जो है आप सबको पता है, Order 2, Rule 2, Order 9, Rule 9, Order 22, Rule 9, 23, Rule No. 1, और बहुत सारे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये आप सबको 13 को दो तरह से पढ़ा जाता है। क्या कहा, 13 को दो तरह से पढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव बना दीजिए, पॉजिटिव क्या बनाएंगे आप बताएंगे, फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव होते हैं। और नेगेटिव बना दीजिए, फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं होते हैं। तो जब नहीं है तो लिख देना नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव तो इसके अनुसार दिया गया दिया गया दिया गया। तो यहाँ पे आपके पास 6 पॉइंट है। क्या कहता, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव कब होगा, जब उसमें कोज ऑफ एक्शन था, नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया था, मेरिट पे डिसाइड किया गया था, फ्रॉड नहीं हुआ था, इंडिया लॉ को सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल लॉ को भी सपोर्ट करता है। इसका नेगेटिव बना दीजिए। तो इससे 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि कब ये माना जाएगा कब नहीं, क्योंकि ये जुडिशरी का मेन का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव, ना 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 ना, और यस 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 पॉजिटिव में दिया गया। और देन आता 14, कोर्ट ये प्रिजम्पशन करता है कि जब भी कभी आपके सामने सर्टिफिकेट पेश किया जाता है तो कोर्ट ये मानता है कि यहाँ पर मैटर डिसाइड हो चुका है। इसका मीनिंग क्या हुआ, लिखिए दो बातें, कि जब फॉरेन कोर्ट में कोई मैटर, जब फॉरेन कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग चल रहा होता है, पेंडिंग चल रहा होता है तो वहाँ पर, पेंडिंग चल रहा होता है तो वहाँ पर रेस ऑफ जुडाइस नहीं अप्लाई होगा। उसी मैटर पर रेस ऑफ जुडाइस अप्लाई नहीं होगा, उसी मैटर पर आप इंडिया में दूसरा केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन जब फॉरेन कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दे दिया गया है, जब फॉरेन कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दे दिया गया है तो उसी मैटर पर वो कंक्लूसिव बन जाएगा, उसी मैटर पर इंडिया में न्यू फ्री सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकेगा, सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा लग जाएगा। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा लग जाएगा। क्या कहा, सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा लग जाएगा। अब आते हैं फॉरेन को जजमेंट और फॉरेन के जजमेंट के लिए प्रिजम्पशन। इसके लिए हमने पहले दो सेक्शन देखे थे, सेक्शन नंबर 2 का 5, 2 का 6, और लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 2 के डेफिनेशन क्लोज में, कि वहाँ फॉरेन कोर्ट दिया गया, नहीं वहाँ पे फॉरेन दिया गया लिमिटेशन एक्ट में, फिर फॉरेन कोर्ट आया, फिर फॉरेन जजमेंट आया, फिर फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव हुआ या नहीं हुआ, और उसकी प्रिजम्पशन अपन ने पेश की थी, उसके लिए प्रिजम्पशन अपन ने पेश की थी। तो क्या कहता है सेक्शन नंबर 9, जुडिक्शन क्या है, रेस जुडिकेटा क्या है, 10, रेस ऑफ जुडाइस क्या है, 11, रेस जुडिकेटा क्या है। अब 11 के लिए काफ़ी घमासान चलता है कि 11 की नेचर कैसे, मैंडेटरी है या फिर डायरेक्टरी है। अब यहाँ फिर एक कन्फ्यूज़न चल रहा है, इंडिया के अलग अलग एग्ज़ाम में कहीं इसको मैंडेटरी कहा गया है तो कहीं से डायरेक्टरी कहा गया है, लेकिन इसको आप क्या समझेंगे, आप कहेंगे मैंडेटरी है। और इंटरप्रिटेशन कहता है जब जब जरूरत पड़ेगी तो मैंडेटरी को डायरेक्टरी में चेंज कर सकते हैं, ये आदेशात्मक हैं, और जब जब जरूरत पड़ी तो इसे निर्देशात्मक में बदला जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आप अपने स्टेट को देख के देखिएगा कि आपके स्टेट में प्री के क्वेश्चन में, MCQs के क्वेश्चन में, प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर, PT एग्जाम के अंदर इसको क्या माना, एक बार उसको वेरीफाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी जगह में इसमें कॉन्ट्राडिक्शन चलता है। लेकिन लास्ट कहे तो इसको भी आप
महेंद्र जी बोल सकते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन के तहत जब जब जरूरत पड़ी तो इसको अपन डायरेक्टरी में भी चेंज कर सकते हैं। और देन सेक्शन नंबर 12 बार ऑफ रदर सूट की बात करता है। सेक्शन नंबर 13 कहता है फॉरेन कोर्ट कब कंक्लूसिव नहीं होंगे, फॉरेन कोर्ट कब कंक्लूसिव होंगे। और देन आता है सेक्शन नंबर 14, हम फॉरेन जजमेंट के बारे में प्रिजम्पशन करेंगे, किसके, उसके जजमेंट के सर्टिफिकेट बेस होने पर या सर्टिफाइड कॉपी बेस होने पर। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको यहीं कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे और वहाँ पे हम चर्चा करेंगे सेक्शन नंबर 15 से लेकर 20 से लेकर 35 बी तक। तो आज के लिए धन्यवाद। जब भी वीडियो लेकर बैठे हैं आप तो उससे पहले आपको टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए। जब भी आप पढ़ने बैठे तो डायरेक्ट हमेशा आपके साथ में होना चाहिए ताकि वो चीज़ आपको 100% याद हो जाएगी। आपका ध्यान रखिएगा, अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखिएगा, घर वालों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद। Act or law or anything like that, it was like a motivational video and main baaki sab logo ke comments uske bare mein padh rahi thi that everyone felt like crying and when I watched that video even I felt like crying because us video mein there were a lot of things जो मैम ने शायद बहुत जनरली कही होंगी बट हर किसी के लिए जो भी ऐसा कुछ अटेम्प्ट कर रहा है हमारी तरह जुडिशियल सर्विसेज के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं या और बाकी सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए वो चीज़ बहुत पर्सनल है एंड बाकी सब जगह पे शायद आप लॉज और एक्ट्स तक ही पढ़ेंगे। मैम हेयर एंड देयर कीप्स ऑन टेलिंग अस, कीप्स ऑन एनकरेजिंग, कीप्स ऑन मोटिवेटिंग अस इवन ड्यूरिंग आर लेक्चर्स एंड अलग से भी ऐसे वीडियोस बना के एंड इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल एट टाइम्स। जब बहुत लो पॉइंट हिट कर जाता है तो ऐसे वीडियोस बहुत हेल्प करते हैं। हाय, माय नेम इज किरण कुमार, आई एम फ्रॉम तेलंगाना, आई एम ए जुडिशियल एस्पिरेंट एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ SULC, Surinagiri Unique Law Classes of YouTube channel of Urmila Rathi ma'am. First of all, I would like to say thanks to Urmila Rathi ma'am for giving such kind of lectures and each and every topic of law very depth. So without joining in offline classes, I have gained 60-70% of knowledge in each and every subject of judiciary. So for that I would like to thank you ma'am, and I would strongly recommend other judicial aspirants to the SULC. So with your support and with your lectures, this time hopefully you will get into the post. I strongly believe that. Thank you ma'am, thank you for your classes. May Soumya Bhattacharya, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। मैं आपकी वीडियो रेगुलरली देखता हूँ और देखने से मुझे बहुत कुछ जानने को मौका मिल रहा है और बहुत कुछ मुझे सीख भी रहा हूँ वीडियो देखने से। अब इतनी अच्छी टॉपिक समझाती है तो जानने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं रहता, सो इसलिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा और बस इस तरह आप वीडियो देती रहें, ठीक है, और ताकि हम लोग को ठीक से समझ में आए। बस इतना ही मैं बोलकर आज के लिए ये वीडियो खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे मैडम।